लास्ट टाइम हमने ये आखिरी एग्जांपल देखी थी सी स्टाइल स्ट्रिंग्स के बारे में हमने बात की थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द डेंजर एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ सी स्टाइल स्ट्रिंग्स, राइट? ऐसा ही है जी। यस सर। ओके, राइट। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल दैट यू कैन लुक इनटू। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इसमें सिर्फ ये डेमोंस्ट्रेट किया गया है कि जो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स के साथ जब हम प्ले कर रहे होते हैं तो लाइक आपको पहले ये कहा गया दैट सी आउट एंटर अ वर्ड नॉट लॉन्गर देन 20 कैरेक्टर्स। सो बिकॉज इसके ऊपर कोई चेक नहीं होता कि अगर आप इंडेक्स के बियॉन्ड जाके किसी चीज़ को एक्सेस कर लें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको चेक नहीं किया जाता, लिहाजा इलीगल मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ, कि एक प्रोग्रामर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है या उसको रिक्वेस्ट की जा रही है दैट आप 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा एंटर मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप कर देंगे तो वो उसको रोक, जो कंपाइलर है वो उसको रोक नहीं पाएगा, आई विल नॉट स्टॉप इट। सो दिस इज़ द डेंजर दैट इज़ द रियल डेंजर एसोसिएटेड विद दीज द यूज़ ऑफ दी सी स्टाइल स्ट्रिंग्स। सो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए ये एक मुश्किल चीज़ है इन अ वे। सो फिर आपने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया व्हिच इज़ बेसिकली सी स्टाइल स्ट्रिंग, राइट? और उसका साइज 21 रखा और उसको नल कैरेक्टर से इनिशलाइज कर दिया। फिर उसमें इनपुट ले ली कोई और आपने ऊपर ये कहा हुआ है कि आप प्लीज़ 20 कैरेक्टर से ज़्यादा एंटर मत कीजिएगा। 20 कैरेक्टर क्यों? क्योंकि 21 इसका साइज़ है तो 20 कैरेक्टर वो आपके लेगा और 21वां कैरेक्टर ज़ाहिर है उसको नल कैरेक्टर प्लेस करना है। सो दिस इज़ द लिमिट दैट यू फेस ऑन दिस, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ लेंथ ऑफ योर इनपुट वॉज, आप फिर जो आपने इनपुट किया है उसकी लेंथ को यहाँ पे एंटर करते हैं। सो यू यूज दिस फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ, STRLEN, दिस इज शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग लेंथ। तो आप इस फंक्शन के जरिए जो यूज़र ने इनपुट की है उसकी उसकी लेंथ को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। जी यार, मुझे साथ फ़ौरन बता दिया करें कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं फिर बोल के इतना आगे चला जाता हूँ। स्क्रीन ज़ाहिर है, जब मैंने कोई चीज़ रेफ़र करनी है तो इसका मतलब है स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, लेकिन आई ऑफन फॉरगेट दिस। तो मुझे फ़ौरन से बता दिया करें कि स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई, राइट? ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। यस सर। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू टेल द यूजर इज एंटर अ वर्ड नॉट लॉन्गर देन 20 कैरेक्टर्स, एंड यू हैव टू टेल दिस बिकॉज कंपाइलर, अगर आप इससे ज़्यादा इनपुट दे देंगे तो कंपाइलर उसको रोक नहीं सकता। तो आप एक एतबार से यूं कहिए कि ये सब कुछ एप्लीकेशन प्रोग्रामर के रहमो करम पे है कि वो इसको ऑब्जर्व करता है या नहीं करता। अगर वो ऑब्जर्व नहीं करेगा इट कैन रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम योर कंप्यूटर, राइट? आपने एक कैरेक्टर अरे या सी स्टाइल स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसका साइज 21 रखा और सारे कैरेक्टर्स को नल कैरेक्टर से इनिशलाइज कर दिया, इट हैज़ नथिंग इन इट, राइट? फिर आपने सी इन के जरिए उसमें इनपुट ले ली एंड अगेन योर बैंकिंग ऑन दिस कि आपने यूजर को बताया हुआ है कि 20 से ज़्यादा एंटर ना करें, राइट? एंड देन यू प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यू आर यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन या कंकेटिनेशन फंक्शन, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड हैं और इन फंक्शंस को बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है उसको जब आप स्ट्रिंग का नाम देते हैं एज इनपुट तो वो बताता है इसकी लेंथ कितनी है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए इट सर्चेज फॉर नल कैरेक्टर टू डिटर्मिन द करंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट? सो बेसिकली स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ये करता है कि जब जो आपने इनपुट दी हुई है वो उसको जीरो से काउंट करना शुरू कर देता है, राइट? सो इट काउंट्स द कैरेक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन। जैसे ही उसको नल कैरेक्टर मिलता है तो वो कहता है जी ठीक है, इनपुट यहाँ ख़त्म हो गई, और आपको बता देता है कि स्ट्रिंग की लेंथ इतनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अपनी जो स्ट्रिंग है उसका साइज़ जो है वो 21 डिक्लेयर किया हुआ है और आप इनपुट उससे बड़ी दे देते हैं, यानी 21 कैरेक्टर्स के अंदर नल कैरेक्टर नहीं आता, तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन तो उसको काउंट करता रहेगा, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम विद यूजेज ऑफ द सी स्टाइल स्ट्रिंग्स इन अनदर वे। सो वी जस्ट टेक अ डेमो ऑफ दिस एग्जाम्पल एज वेल।
दिस इज द एग्जांपल, तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो हियर इट इज. सो एंटर अ वर्ड नॉट लॉन्गर देन 20 कैरेक्टर्स. सो इफ यू डोंट माइंड आई कैन जस्ट एंटर द 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 कैरेक्टर्स हमने इसमें एंटर किए हैं. अगर आपको बुरा लगे तो हम इसको ए बी सी भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, राइट. नाउ इन दिस केस स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ने हमें बताया कि इसकी लेंथ है 11, राइट, बिकॉज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट. सो नल कैरेक्टर तक इसने काउंट करके हमें बता दिया. सो एक तो ये कि हम बहुत इसमें कन्फाइंड हैं कि हमने इसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो कंपाइलर है वो खुद इस बिहेवियर को एनफोर्स नहीं कर सकता कि आप 20 के बियॉन्ड जाके कोई कैरेक्टर राइट ना करें. सो आप इलीगल मेमोरी को एक्सेस करके उसमें कुछ राइट कर सकते हैं और इसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है कंप्यूटर्स के ऑपरेशन के एतबार से, क्योंकि आप उस एरिया के अंदर जाके कुछ कर रहे होंगे जो आपका नहीं है, मुमकिन तौर पर किसी और प्रोग्राम का है. सो किसी और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को मुतासर करता है, आपके सिस्टम के बिहेवियर को किसी तरीके से अनएक्सपेक्टेडली मुतासर कर सकता है. सो वन थिंग इज दिस, एंड देन जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है, चूंकि वो बैंक ही इस बात पे कर रहा है कि उसको नल करेक्टर फाइंड करना है, जैसे ही उसको नल करेक्टर फाइंड मिलता है तो वो कहता है जी ठीक है लेंथ पूरी होगी, और वो लेंथ बता देता है. तो अगर आप 20 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर अपनी इनपुट को ख़त्म नहीं करते, आगे चले जाते हैं, तो जाहिर है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को नल करेक्टर 20 के अंदर नहीं मिलेगा, इट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटिंग बियॉन्ड दैट, राइट. सो आई होप यू गॉट दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल के अतबार से अगर आपका कोई सवाल है तो ये साइको गेमिंग कौन है? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस एग्जाम्पल यू कैन गो अहेड एंड आस्क नाउ. सर जी कल वो हमने आउटो फंक्शन तक पढ़ा था, स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे, एरेज नहीं पढ़े थे हमने. ओके सॉरी, हमने ऑटो तक पढ़ा था. ओके दिस इज अनदर इशू दैट सो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग के हमने ऑटो तक पढ़ा था. तो ऑटो की एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टेंट्स और नॉट. आप दोनों क्लासेस आगे पीछे हैं, तो आपकी क्लास को मैं दूसरी क्लास अज्यूम करके अभी पढ़ाना शुरू कर दिया. एंड इट टेक्स अ वाइल. मैं तो चलें बूढ़ा आदमी हूँ, आप लोग थोड़े से अलर्ट रहा करें कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पे ख़त्म किया था. जितनी जल्दी मुझे बता देंगे हमारा उतना वक्त बच जाया करेगा, राइट. ओके सो बिगिन अगेन थर्ड टाइम. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अरेज एंड स्ट्रिंग्स. अभी हमने प्लेन वेरिएबल्स के बारे में पहले बात की थी, डेटा टाइप्स के बारे में बात की थी. Now we will be talking about arrays. So what is an array? It's a group of elements forming a complete unit. For example, an array of solar panels. ठीक है, एक ground है बहुत बड़ा जिसके अंदर बहुत सारे solar panels लगे हुए हैं. So we will be saying that it's an array. It's an array of solar panels. So अगर हम C++ की बात करें तो C++ an array is a collection of elements of same type. A collection of elements of same type, यानी वो integer हैं तो तमाम integer ही होंगे. अगर आपने type character रखी है तो तमाम characters ही होंगे. तो आप array बना सकते हैं, लेकिन array के ऊपर restriction क्या होती है कि उसके अंदर जितने भी elements होंगे उन तमाम की type एक ही होगी, वो मुख्तलिफ types के elements नहीं हो सकते.
देन दे आर स्टोर्ड सीक्वेंशली एट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी के अंदर जो एरे के लिए एरिया एलोकेट किया जाता है वो कंटिगुअस होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 10 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया है तो उसमें 5 एलिमेंट्स किसी अलग जगह पे और 5 एलिमेंट्स किसी अलग जगह पे हों, दे विल बी एलोकेटेड कंटिगुअस मेमोरी एरिया। फिर अगली अहम बात यह कि हमें एरेज की ज़रूरत क्यों होती है, प्रोग्राम्स की ज़रूरत डेटा के अतबार से मुख्तलिफ हो सकती है। अगर हमें मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम में 5 इंटीजर्स की ज़रूरत है तो हम 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट, वी विल गिव देम डिफरेंट नेम्स एंड वी विल यूज देम अकॉर्डिंगली। देन अगर हमें 500 इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या हम 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? 500 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि आप 500 मुख्तलिफ नाम रखेंगे उनके, एंड देन यू विल बी डीलिंग विद देम, दैट विल बी अ लॉट ऑफ मैस, एंड इन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस दे कैन बी इवन इफ यू जस्ट इमेजिन थियोरेटिकली कि आपको 50,000 इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ गई है, सो यू विल बी डिक्लेयरिंग 50,000 इंटीजर्स, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको एक टाइप का डेटा डिक्लेयर करना है और बहुत सारा डेटा डिक्लेयर करना है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप उतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और उनको मैनेज कर लें, सो दिस बिकम्स ऑब्वियसली अनमैनेजेबल। सो एरेज इसका एक नेचुरल सोल्यूशन है। एरेज में क्या होता है कि आप जैसे एक आम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पहले टाइप बताते हैं जैसे इंट आपने इस केस में कहा, फिर वेरिएबल का नाम रखते हैं जैसे इस केस में आपने माई नंबर्स रख लिया। अब आपको अगर 5 इंटीजर्स बनाने हैं तो आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 5 लिख रहे हैं, दैट इज इंडिकेटिंग दैट यू आर डिक्लेयरिंग 5 इंटीजर्स, बट नॉट इन अ यूजुअल वे, यू आर नेमिंग दैम द सेम एंड यू आर गिविंग द साइज हियर एंड यू विल बी इंडेक्सिंग दैम ओवर, राइट। तो आपने 5 इंटीजर्स का एक एरे इस तरीके से डिक्लेयर कर लिया, फिर आगे आपने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, राइट, यू आर गिविंग इट द इनिशियल वैल्यू 0। दिस 0 बेसिकली टेल्स कि इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, राइट, सो देर आर 5 इंटीजर्स इन दिस एंड ऑल 5 इंटीजर्स आर इनिशियलाइज टू 0। सिमिलरली अगर आपको 50,000 इंटीजर्स डिक्लेयर करने हैं तो दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, यू विल यूज द सेम डिक्लेरेशन, डेटा टाइप, नेम ऑफ द वेरिएबल एंड देन द साइज इज 50,000 हियर एंड अगेन यू इनिशियलाइज देम टू 0, सो तमाम 50,000 इंटीजर्स इस एक स्टेटमेंट के जरिए 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। आप डिफरेंट टाइप का एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ आपने एक करेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, आपने वेरिएबल का नाम रखा माई करेक्टर्स और साइज़ रख दिया 5। इसका मतलब ये है कि ये एक एरे है जिसमें करेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं और इसका साइज़ आपने रखा है 5 और ये एरे आपने इनिशलाइज नहीं किया, यानी इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी, राइट। सो बाकी सारे कायदे वही हैं जो आम वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स आपके पास बन जाती है जिसको आप एक ही नाम के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इन एरेज के बारे में एक खास बात यह कि हम इन एरेज को स्टैटिक एरेज कहते हैं। स्टैटिक अरेज का मतलब क्या है कि जब हमने प्रोग्राम लिखा तो हमने यहाँ 5 लिख दिया या 50,000 लिख दिया या जो भी लिख दिया, तो हमने साइज इसका कंपाइल करने से पहले बता दिया और ये साइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तब्दील नहीं हो सकता। अगर हमें इस साइज को तब्दील करना है तो इस प्रोग्राम को दोबारा एडिट करके हमें दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, तो हम इनको स्टैटिक अरेज कहते हैं। और इसलिए स्टैटिक कहते हैं कि इनका साइज आप कंपाइल करने से पहले फिक्स कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, बता देते हैं और उस साइज को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा मुमकिन हो कि हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम उनको इस एरे के साइज को तब्दील कर सकें तो हम ये कहेंगे कि ये एक डायनामिक एरे है, बट इस केस में चूंकि ऐसा मुमकिन नहीं है तो हम इसको एक स्टैटिक एरे कहते हैं। और आगे चल के हम लेटर डायनामिक एरेज के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ऐसा भी हमें टाइम इन टाइम आउट हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एरे के साइज को हमें तब्दील करना पड़े। सो डिक्लेरेशन इज वेरी सिंपल, आप डेटा टाइप बताते हैं, एलिमेंट टाइप जैसे हमने इंटीजर लास्ट टाइम लिखा था, एरे का नाम रखते हैं जैसे एक आम वेरिएबल का नाम रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप उसके एलिमेंट्स की इसका साइज बताते हैं कि कितने एलिमेंट वो एरे स्टोर करेगा, और इनिशियलाइज करना जैसे एक वेरिएबल को आम वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ऑप्शनल है तो एरे को इनिशियलाइज करना भी ऑप्शनल है।
सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल है जिसमें आपने लिखा इंट माई नंबर्स 5 और आपने आगे पांच वैल्यूज़ भी दे दी। आपने पांच वैल्यूज़ कैसे दी? आपने लिखा 34, 56, -21, 5002, 365। सो इस केस में आपने क्या किया है कि तमाम पांच के पांच इंटीजर्स को अलग अलग वैल्यूज़ असाइन की हैं। दिस इज़ परफेक्टली अलाउड। अनदर एग्जाम्पल इज दिस। यहां आपने क्या किया है कि आपने इन ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दिया है। जब आप जी वेट कर रहा हूँ भाई। ओके लेट मी चेक। या माशाल्लाह काफी सारे हैं, कौसर, अरसलान, और ये हमें नहीं मालूम कि डीएस टाइटन कौन है, तो हम इसको एंटर नहीं होने देंगे। ओके सो इस केस में आपने ये ब्रैकेट्स एम्प्टी छोड़ दी हैं। अगर आप ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये तमाम एरेस तमाम एलिमेंट्स को जीरो से इनिशियलाइज कर देगा, यानी राइटिंग जीरो और लीविंग इट एम्प्टी हैज द सेम इफेक्ट, राइट? ओके अनदर पॉसिबिलिटी इज दिस। इस केस में अगर आप देखें तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 डिक्लेयर किए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 डिक्लेयर किए हैं, लेकिन आपने यहाँ वैल्यूज सिर्फ 2 दी हैं, 34 एंड 56। इस केस में क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट पहला इंटीजर है उसको 34 दे दी जाएगी वैल्यू, जो दूसरा इंटीजर है उसको 56 दे दी जाएगी, और उसके बाद आगे चूंकि मजीद वैल्यूज आपने स्पेसिफाई नहीं की तो जो तीसरा चौथा और पांचवा इंटीजर होगा वो 0 से इनिशलाइज हो जाएंगे, राइट? सो ये बेसिकली कंपाइलर की इंप्लीमेंटेशन है कि वो किसी चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। सो इट अलाउज दिस कि आप पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर लें, बाकी इनिशियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट 0 से हो जाएगी। आमतौर पे एक आम प्रैक्टिस ही होती है कि चूंकि आपने एरे का साइज कांस्टेंट रखना होता है और उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप तब्दील नहीं कर सकते, तो आमतौर पे आप कांस्टेंट के जरिए आप एक वेरिएबल लेकर उसको डिक्लेयर कर देते हैं। लाइक आपने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट इंट अरे लेंथ, और एक आम प्रैक्टिस है कि जब आप कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं तो आप उनके नाम कैपिटल में रख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल रखें, एक आप बिल्कुल आम वेरिएबल की तरह रख सकते हैं नाम, लेकिन आम प्रैक्टिस ये है कि आप कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल बनाने के लिए उनके नाम सारे कैपिटल में रख देते हैं। तो आप बहुत सारे सी या C++ में लिखे हुए प्रोग्राम्स देखेंगे, उनमें आपको इस तरह से कैपिटल में लिखे हुए वेरिएबल्स के नाम नजर आएंगे, तो इसका आप आमूमी मतलब ये ले सकते हैं कि ये कोई कांस्टेंट है, राइट? जैसे मैंने कहा कि कंपाइलर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं, लेकिन जस्ट अपनी रीडेबिलिटी के लिए अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अतबार से ये नॉमनक्लेचर फॉलो की जाती है कि कॉन्स्टेंट्स के नाम जो होते हैं वो आमतौर पर कैपिटल में रख दिए जाते हैं। तो आपने यहाँ पे एक डिक्लेयर किया कांस्टेंट एरे लेंथ के नाम से, उसका साइज 5 रख दिया, और वेरिएबल फिर को आपने उसको फिर कांस्टेंट को इस्तेमाल किया इसका साइज स्पेसिफाई करने के लिए, इंट माय नंबर्स एरे लेंथ व्हिच विल टेक द वैल्यू 5 एंड देन यू इनिशियलाइज इट विद ऑल द वैल्यूज दैट यू डिजायर टू। यार ये कौन है डीएस टाइटन, आपकी क्लास का ये कोई? सर पता नहीं, नाम लिखा हुआ होता तो बता देते, पता नहीं कौन है। ओके सो यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज गो अहेड। एंड देन देर इज अनदर डेक्लरेशन। इसमें अगर आप देखें तो आपने यहां साइज स्पेसिफाई नहीं किया। आम तौर पर साइज स्पेसिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि हम कंपाइल टाइम पे उसका साइज फिक्स कर देते हैं। इस केस में अगरचे हमने साइज नहीं बताया लेकिन हमने आगे वैल्यूज दी हैं 3, 2016, 2052 एंड -525। अब इस केस में अगरचे यहाँ साइज आपने नहीं बताया लेकिन कंपाइलर ये देखेगा कि इसने आगे 3 वैल्यूज स्पेसिफाई की हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट इसका साइज भी 3 फिक्स कर देगा, राइट? So you must specify the size of an array when you declare it, and if you don't, then you should initialize it. तो initialization में आप जितनी values देंगे उतनी values से उसको initialize करके उसका size fix कर दिया जाएगा, right?
इट्स वेरी इजी टू नाउ थिंक कि एक एरे का साइज कितना होता है. एक एरे का साइज बाइट्स में उतना ही होता है कि जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जितना हर एलिमेंट साइज लेता है. मिसाल के तौर पे अगर हमारा एक हमने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें 5 इंटीजर्स हैं, और इंटीजर आपको पता है कि 32 बिट्स का होता है या 4 बाइट्स का होता है, तो इसका मतलब है एरे का साइज क्या होगा, 5 ज़रब 4 यानी 20 बाइट्स. सो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय हर एलिमेंट का साइज, दैट विल बी द साइज ऑफ द एरे दैट यू हैव डिक्लेयर्ड. ओके, देन दिस इज एन एग्जाम्पल इन विच वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे एंड देन वी एक्सेस एन एरे. वी सी दिस एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं. इस एग्जाम्पल में आपने सिंपली ये किया है, someone ringing it and okay, so you have declared an array of size 5 and you have initialized the values. फिर आप उन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस कर रहे हैं. सो यू से सी आउट फर्स्ट एलिमेंट एट इंडेक्स 0, यू हैव रिटन द नेम एंड यू हैव रिटन द इंडेक्स. सो व्हेन, और ये याद रखिए कि एरे के इंडेक्सेस, क्योंकि कंप्यूटर की गिनती 0 से शुरू होती है, तो एरे के इंडेक्सेस भी हमेशा 0 से शुरू होते हैं, और उसका जो आखिरी इंडेक्स होता है वो साइज माइनस 1 होता है. सो आप पहला एलिमेंट उसका नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिख के एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट 1 से, तीसरा एलिमेंट 2 से, चौथा एलिमेंट 3 से, और आखिरी एलिमेंट पाँचवा एलिमेंट 4 से एक्सेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट इंडेक्स 0 and the fifth and the last element in this case will be at index 4, or you can say n minus 1, where n is the size of the array, right? So we go ahead and execute this example. Just that it's a simple run, and in this you can see that 34, 56, minus 21, 5002, and 365 are printed because you have indexed them one by one. Right? Any question till this point? Everybody is okay with this? ओके, नाउ लिटिल क्वेश्चन. अगर मैं यहाँ 4 की बजाय 5 लिखूं तो आपके ख्याल में क्या होगा? आपको पता है इस एरे के इंडेक्सेस 0 से लेके 4 तक हैं, साइज आपने चूंकि 5 डिक्लेयर किया हुआ है, तो जो फिफ्थ इंडेक्स है यानी छठा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन नहीं करता. लेकिन अगर मैं 5 लिखूं तो आपके ख्याल में क्या होगा? विल इट बी अलाउड एंड शुड इट बी अलाउड? सर, एरर आएगा. ओके, वी जस्ट सी हाउ इट गोज. ऑल्दो वी हैव बीन इंडिकेटेड विद दिस, बट यू सी देयर इज नो एरर. इनफैक्ट कुछ सादा कंपाइलर्स, खासतौर पे जो विंडोज पे आप कंपाइलर्स यूज करते हैं, मुमकिन है कि वो आपको किसी किस्म की कोई इंडिकेशन ना दें. सो लेकिन इस केस में जो आपका ये कंपाइलर G++ है, विच इज़ रनिंग ऑन लिनक्स, इट हैज़ इंडिकेटेड समथिंग. पहली बात ये कि इट हैजंट गिवन एनी एरर. अगर आप देखें तो ये वार्निंग है और ये एक नोट है. इट हैजंट गिवन एनी एरर ऑल्दो इट हैज़ इंडिकेटेड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स. और आखिर में उसने इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का रिजल्ट हमें शो कर दिया, राइट? अब इस केस में अगर आप देखें तो 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्सेस तो वही हैं जो यहाँ से आ रहे थे. अब यहाँ हम इंडेक्स 4 की बजाय हमने 5 लिख दिया, यानी हम उससे अगला मेमोरी एरिया जाके एक्सेस कर रहे हैं जो कि हमारा नहीं है. तो एक बात ये कि शुड इट बी अलाउड? नो, इट शुड नॉट बी अलाउड. ये ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज ये मेमोरी एरिया आपका है नहीं,
तो आपको इस मेमोरी एरिया को एक्सेस भी नहीं करना चाहिए. सो इन अ वे यू हैव एक्सेस्ड एन इलीगल मेमोरी एरिया जो कि आपके प्रोग्राम को एक्सेस नहीं करना चाहिए. लेकिन चूंकि सी प्लस प्लस के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा, लिहाजा आप इस डेंजर में रहते हैं कि अगर आप बाय मिस्टेक ऐसे मेमोरी एरिया को एक्सेस कर लें जो आपका नहीं है, तो यू कैन कॉज सम ट्रबल इन दी ऑपरेशन ऑफ योर सिस्टम, क्योंकि वो मेमोरी एरिया मुमकिन है कि किसी और प्रोग्राम का हो. और अगर आप उसको अभी तो हमने सिर्फ रीड किया, अगर हम उसको मिसाल के तौर पे ओवरराइट कर दें, उसके अंदर कोई और चीज़ लिख दें, तो मुमकिन है कि किसी और प्रोग्राम का बिहेवियर उससे मुतासर हो और आपका सिस्टम कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करे. राइट, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. अगर हम इस वार्निंग को देखें तो ये क्या है, इट सेज अरे इंडेक्स 5 इज पास्ट the end of the array which contains 5 elements. So ज़ाहिर है अगर वो कहता है कि इसके 5 element है तो index 0 से 4 तक होंगे, तो आपने index 5 लिखा है तो इसमें नहीं है basically, right? और एक note उसने क्या दिया आपको, array my numbers declared here, right? ये है वो array जो आपने declare किया है. अगर आप देखें तो इसका size आपने 5 declare किया, यानी इसके index 0 से लेके 4 तक होने चाहिए. सो उसने कंपाइलर ने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो आपको एक्सप्लेन कर दे कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं ये बज़ाहिर ठीक नहीं है. बट इन द स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, सिंस द एरे बाउंड्स आर नॉट चेक्ड, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में अगर आप देखेंगे तो एरे बाउंड्स को चेक किया जाता है, वो अलाउ नहीं करती कि आप इंडेक्स को बियॉन्ड जाके एक्सेस कर लें. लेकिन सी और सी प्लस प्लस में फॉर रीजंस ये चीज़ नहीं की गई, लिहाजा आपको इस चीज का खुद ख्याल रखना पड़ता है. ये नेवर गिव अप आपकी क्लास के हैं. ओके, सो वी टर्न इट बैक टू 4 सो दैट वी रिमेन विद इन द लीगल लिमिट ऑफ दिस. एंड नाउ वी मूव ऑन फ्रॉम हियर. The next is that we can modify the array data as well. हम array के data को modify कैसे कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप इस program को देखें तो सबसे पहले तो आपको इसमें एक चीज़ नज़र आएगी, which is we have used constant expression. हमने last time बात की थी constant expression की, जिसे आप एक function के style में लिख सकते हैं. एक तो सादा ये है कि आप functions लिख सकते हैं, constants लिख सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप अगर expressions की form में constants लिखना चाहते हैं तो आपके पास constant expression की facility भी मौजूद है. अगर आप इस कांस्टेंट एक्सप्रेशन को देखें तो ये क्या करता है कि इंटीजर रिटर्न करेगा, इट्स नेम इज स्क्वायर, ये एक इनपुट ले रहा है नंबर, नंबर को एक इनपुट के तौर पे ले रहा है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर स्क्वायर नंबर. तो बेसिकली आप इसको जो भी नंबर सप्लाई करेंगे ये उसका स्क्वायर आपको दे देगा. सो यू हैव डिक्लेयर्ड इट एज अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन व्हिच विल बेसिकली टेक एज इनपुट अ नंबर एंड विल रिटर्न द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. Okay. Then you have declared an array of length 5 और आपने उसको initialize कर दिया, right? आपने constant declare किया array length और फिर उसी size का आपने array declare करके उसको initialize कर दिया, right? फिर आपने क्या किया कि आपने एक और array declare किया int more numbers और उसका size आपने रखा square array length. array length कितनी थी, 5. इसका स्क्वायर जब आप कॉल करेंगे कांस्टेंट एक्सप्रेशन के जरिए तो दिस विल गिव यू 5 × 5 25, यानी ये जो दूसरा एरे है इसका साइज होगा स्क्वायर ऑफ द एरे लेंथ व्हिच विल बी 5 × 5 25, ठीक है. अच्छा, अब ये जो एरे था इसको तो आपने इनिशियलाइज कर दिया विद 5 नंबर्स, 5, 10, 0, -101 और 20, राइट. लेकिन इस केस को अगर आप देखें तो यहां आपने सिर्फ एक नंबर सप्लाई किया है 25. तो आपके ख्याल में इसका क्या इंपैक्ट होगा जब आप सिर्फ 25 स्पेसिफाई करेंगे यहां. यस, जैसे हमने पहले इंडिकेट किया था कि अगर आप लिमिटेड वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे जबकि अरे का साइज बड़ा होगा, तो इस केस में जो जीरोथ इंडेक्स है उसको तो ये वैल्यू दे देगा 25, जबकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे आगे जो बाकी 24 एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे के सारे जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे, राइट. ओके, दैट्स फेयर एनफ. देन यू से एंटर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी चेंज, तो
तो आप यूजर से कहते हैं कि आप वो इंडेक्स बताएं जिस पे आप वैल्यू को तब्दील करना चाहते हैं। यूजर वो इंडेक्स बताता है, फिर आप यूजर से कहते हैं कि आप वैल्यू भी बताइए जिसको, जो वैल्यू आप उस इंडेक्स पर जाके राइट करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू भी बता देता है। फिर आप उसको दोनों एरेज के अंदर तब्दील कर देते हैं, एंड देन यू प्रिंट देम आउट टू सी वेदर द चेंज इज रिफ्लेक्टेड और नॉट। तो हम इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देखते हैं इस प्रोग्राम को, विच विल बी रिलेटिवली मोर विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर अस। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड सी दिस हियर। सो हम इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देन वी विल टेक अ राउंड ऑफ इट एज वेल। सो एंटर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी चेंज। तो मैं ये कहता हूँ कि इंडेक्स 3 पे एलिमेंट को मैं तब्दील करना चाहता हूँ, और इंडेक्स 3 पे मैं लिखना चाहता हूँ 200 सपोज। इसका इंडेक्स 3 कौन सा है? 0, 1, 2, 3, यानी इसके इंडेक्स 3 पे पहले -101 पड़ा हुआ है, और जो दूसरा एरे है उसके इंडेक्स 3 पे जाहिर है 0 पड़ा हुआ है क्योंकि उसको हमने एक ही वैल्यू दी है, राइट। सो एलिमेंट 3 इन एरे माई नंबर्स इज 200 एंड एलिमेंट 3 इन एरे मोर नंबर्स इज ऑल्सो 200। नाउ बेसिकली हमने दोनों को तब्दील करके फिर प्रिंट करके भी देखा। तो हम इसका अगेन रिविजिट करते हैं प्रोग्राम को। हमने पहले एक कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन डिक्लेयर किया जिसको आप जो भी नंबर एज इनपुट देंगे वो उसका स्क्वायर करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। देन हमने ये कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया, इसके जरिए हम एरे की लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। हमने ये एरे डिक्लेयर किया विद लेंथ 5, इसको 5 वैल्यूज देके इनिशलाइज कर दिया। इसका एरे का साइज हमने स्क्वायर ऑफ एरे लेंथ के जरिए इंडिकेट किया, यानी डायरेक्टली हमने 25 नहीं लिखा बल्कि कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन के जरिए इसको 25 दिया है। सो ये एक एरे है जिसकी लेंथ 25 है, इसको हमने एक ही वैल्यू दी है, यानी इसके 0th इंडेक्स पर 25 पड़ा हुआ है, और बाकी तमाम इंडेक्सेस 0 से इनिशलाइज हो जाएंगे। फिर हमने हमसे प्रॉम्प्ट किया गया कि एंटर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी चेंज। आप बताइए कि आप किस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को तब्दील करना चाहते हैं। हमने इस केस में कहा कि हम इंडेक्स 3 पे पड़े हुए एलिमेंट को तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमसे कहा गया कि अच्छा वो वैल्यू भी बताइए जो आप उस इंडेक्स पे जाके राइट करना चाहते हैं। तो हमने कहा ओके, हम इंडेक्स 3 पे अब 200 लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसने फिर ये वो तब्दीलियां दोनों एरेज के अंदर की, ठीक है। माय नंबर्स के एलिमेंट इंडेक्स पे जाके न्यू वैल्यू लिखी। एलिमेंट इंडेक्स कौन सा है? जो हमने यहाँ एंटर किया था, जो कि हमने 3 एंटर किया हुआ है। तो माय नंबर्स के इंडेक्स 3 पे जाके न्यू वैल्यू जो हमने एंटर की थी विच इज 200 इन दिस केस, वो राइट की। और इसी तरीके से मोर नंबर्स जो दूसरा एरे है उसके भी एलिमेंट इंडेक्स यानी इंडेक्स 3 पे जाके न्यू वैल्यू यानी कि 200 राइट कर दिया, ठीक है। और फिर सिंपली हमने इन एलिमेंट्स को इन प्रिंट कर लिया, दैट एलिमेंट एलिमेंट इंडेक्स इन एरे मोर नंबर्स इज दिस। तो एलिमेंट 3 इन एरे माय नंबर्स इज 200 एंड सिमिलरली एलिमेंट 3 इन एरे मोर नंबर्स इज ऑल्सो 200। सो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आई? Did you get it? If you have any questions, problems, go ahead, please ask. Are you people listening? No, sir, कोई problem नहीं है. Okay. आप लोग कोशिश किया करें कि पहले 10-15 मिनट में ज्वाइन कर लिया करें, इट जस्ट कंटिन्यूज एंडलेसली। ओके, नाउ वी गो अहेड अगेन। इस चीज का ख्याल रखिए कि ये बहुत आसान है नोवाइस प्रोग्रामर्स के लिए कि जब वो फिफ्थ वैल्यू एरे की एक्सेस कर रहे हो तो इंडेक्स में 5 लिख दें। हालांकि हमें जब फिफ्थ वैल्यू को एक्सेस करना है तो इंडेक्स में 5 नहीं बल्कि 4 लिखना है, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं। और ये बहुत कॉमन, बहुत आसान है। इफ यू विल ट्राई टू राइट इट, इट्स हाईली लाइकली कि आप ये मिस्टेक करेंगे, राइट, बिकॉज वी आर टू अकस्टम्ड डूइंग इट। ओके, 5 एंड नेचुरली 5 कम्स टू आवर माइंड एंड वी राइट इट दैट वे। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस कि हम एरे की बाउंड्स का ख्याल रखें, क्योंकि आप जब अगर एरे का साइज 5 है और आपने फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आप एरे की बाउंड से बाहर जाके किसी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। इट कैन बी सरप्राइजिंग फॉर यू एंड इट इज ऑल्सो नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। सो यू शुड बी केयरफुल विद द
इंडेक्स लिमिट्स और द बाउंड्स ऑफ द एरे. सो सिंपल टेक होम फ्रॉम दिस इज दैट डू इनिशियलाइज अरेज टू अवॉइड गार्बेज वैल्यूज. जैसे हम आम वेरिएबल के बारे में कहते हैं कि बेहतर है कि आप उसे इनिशियलाइज कर लें ताकि गार्बेज वैल्यूज ना मिले. दूसरी बात कि इंडेक्सेस याद रखिए कि हमेशा जीरो से शुरू होते हैं. इंडेक्सेस डू नॉट स्टार्ट एट वन, राइट. और इसका एक अगला मतलब ये भी है कि इंडेक्सेस जो होंगे वो एंड एन माइनस वन पे होंगे, एन पे नहीं होंगे. अगर एरे का साइज एन है तो आपका आखिरी इंडेक्स एन माइनस वन होगा, एन नहीं होगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मल्टी डिमेंशनल अरेज. के मल्टी डिमेंशनल अरेज क्या होते हैं? आप अगर एक ग्राउंड में जाएं और वहाँ पे अगेन जैसे हमने अभी सोलर पैनल्स की बात की थी, तो आप सोलर पैनल्स को वहाँ पे देखें तो व्हाट यू विल सी इज के वो टू डायमेंशंस में अरेंज हुए हुए होते हैं. यानी वो सीधे एक लाइन में नहीं बल्कि बहुत सारी लाइंस आप उसे रो और कॉलम्स के तौर पे दे सकते हैं. इट्स प्रीटी मच लाइक अ चेस बोर्ड. अगर आप चेस बोर्ड को देखें, जैसे कि यहाँ आपको चेस बोर्ड नज़र आ रहा है, तो इसमें अगर आप किसी सेल को एड्रेस करना चाहते हैं तो आप एक डायमेंशन में नहीं बल्कि दो डायमेंशन में आपको बताना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि ये रो नंबर्स हैं, रो नंबर्स 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये कॉलम नंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट. सो रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स. सो मिसाल के तौर पे अगर मुझे बताना है कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो मैं आई कैन से 3C या C3. मुझे दोनों रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों बताने पड़ेंगे. देन एंड ओनली देन आई विल बी एबल टू एग्जैक्टली टेल के इस कॉलम का, इस सेल का एड्रेस क्या है, ठीक है. सो इमेजिन अ चेस बोर्ड वेयर ईच सेल और बॉक्स इज आइडेंटिफाइड बाय अ रो नंबर एंड अ कॉलम नंबर. सेम इज द केस ऑफ सोलर पैनल्स डिप्लॉयड इन अ फील्ड, ठीक है. मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये सोलर पैनल्स हैं. यू से दिस इज रो 0, दिस इज रो 1, दिस इज कॉलम 0, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, राइट. सो दे आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. जैसे आप टू डायमेंशनल मैट्रिसेस के साथ प्ले करते हैं, आपने मैट्रिसेस को इस्तेमाल किया होगा, तो उसमें आमतौर पे एक रो नंबर होता है और एक कॉलम नंबर होता है. ओके जी. सो अगर हम इसको 2D एरे के तौर पे C++ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम एक वेरिएबल ये डिक्लेयर कर रहे हैं int solar panels 2 3. नाउ यहाँ पहले हम सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते थे और हम वन डायमेंशनल अरे उसके अंदर रिप्रेजेंट कर लेते थे. अब चूंकि हम टू डायमेंशंस में जा रहे हैं तो हमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा है यहाँ पे, राइट. और हमने लिखा क्या है, पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं. अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 0 and 1. सो वी हैव रिटन 2 हियर. और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3 0 1 and 2. सो हमने यहाँ पे लिखा है 3, राइट. So we have declared this as a two-dimensional array of type integer. Its name is solar panels and its dimensions are 2 rows and 3 columns. और अगर हम इसको initialize करना चाहें तो that's also very simple. हम यूँ लिखते हैं कि 0, 1, 2 ये एक bracket set के तौर पे हो गया और फिर comma और 3, 4, 5. अगर आप इसको map करें इसके साथ तो यहाँ 2 rows थी, ये row 1 है और ये row 2 है. फिर हर रो में 3 कॉलम है, column 0, column 1, column 2. तो इसमें row 0 में column 0, column 1, column 2. फिर row 1 के अंदर, यानी ये जो सेकेंड रो है, इसके अंदर column 0, column 1 और column 2. सो हमने 6 एलिमेंट्स के जरिए इसको इनिशियलाइज भी कर दिया इस तरीके से, राइट. इसी तरीके से अगर आप एक ऐसा एरे डिक्लेयर करना चाहें जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया इंट से, हमने उसका नाम भी 3 रोज 3 कॉलम्स ही रख लिया है एक आम वेरिएबल की तरह, तो हम लिखेंगे 3 3, विच विल इंडिकेट दैट देर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड वी कैन इनिशियलाइज इट लाइक दिस, राइट. दिस इज 1 2 3 फॉर रो 0, 1 2 3 फॉर रो 1 एंड 1 2 3 फॉर रो 3, राइट. डू यू गेट इट? यस सर. ओके. एन इंपॉर्टेंट थिंग इज के मेमोरी के अंदर ये अभी भी वन डायमेंशनल एरे के तौर पे ही स्टोर होते हैं,
राइट, मेमोरी के अंदर टू डायमेंशंस या थ्री डायमेंशंस की नोशन उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती। प्रेजेंटेशनली दे आर मल्टी डायमेंशनल अरेज ऑब्वियसली, लेकिन मेमोरी के अंदर ये वन डायमेंशनल अरे के तौर पे ही स्टोर होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप ये जो टू डायमेंशनल अरे आपने सोलर पैनल्स के लिए डिक्लेयर किया था विद टू रोज एंड थ्री कॉलम्स और आपने उसको यू इनिशलाइज किया था, अगर आप इसको इसकी बजाय प्लेन अंदाज में यू इनिशलाइज कर दें 0, 1, 2, 3, 4, 5, इट विल स्टिल बी एक्सेप्टेबल फॉर सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इस डेक्लरेशन को भी एक्सेप्ट करेगी। करेगी क्या कि जो पहली रो है रो नंबर जीरो उसको इन तीन एलिमेंट से फिल कर देगी और जो सेकंड रो है यानी रो नंबर वन उसको इन तीन एलिमेंट से फिल कर देगी। लेकिन प्रेजेंटेशनली बेहतर है कि आप ये नोशन इस्तेमाल करें, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी डेक्लरेशन के अंदर। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन मल्टी डायमेंशनल अरेज के, मल्टी डायमेंशनल अरे में एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। Let us just go and see this example. So here it is. So this is all printed here. हम इसको जरा देखते हैं कि basically इसमें हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने एक array declare किया है जिसमें तीन rows और तीन कॉलम्स हैं और उसका नाम है थ्री रोज थ्री कॉलम्स। यू कैन नेम इट एनीथिंग। अगर हम इसका नाम एबीसी रख दें तो चल जाएगा प्रोग्राम या नहीं? यस सर। या सो द नेम इज योर चॉइस, आप रखते हैं नाम। ओके सो तीन रोज और तीन कॉलम्स। अच्छा अब ये जो आपने यहाँ पे ये जो बैक स्लैश डाली है ये बुनियादी तौर पर जब आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस पे स्प्रेड करना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन के तौर पे आप ये बैक स्लैश डालते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यूं कर दूं तो आई नो दैट्स ओके राइट, लेकिन ये लाइन आगे जा रही है। तो सिर्फ फॉर्मेटिंग को जरा बेहतर बनाने के लिए आप इस बैक स्लैश के जरिए एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस के ऊपर फैला सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप किसी प्रॉपर पॉइंट के ऊपर उसको सेपरेट करें। यानी यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद आपने कर दिया। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ ये सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। सो एक टोकन को आपने ब्रेक नहीं करना, लेकिन आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस। इसी तरीके से आपने यहाँ भी इसको इस्तेमाल किया एंड सो ऑन। सो आपने इसको इनिशलाइज कर दिया, ये आपका रो वन का डेटा हो गया। दिस इज फॉर कॉलम जीरो, दिस इज फॉर कॉलम वन एंड दिस इज फॉर कॉलम टू एंड सो ऑन, रो टू एंड रो थ्री। अब आप इनको रो वाइज वन बाय वन एक्सेस करते हैं। ये आपकी रो जीरो है, आपने लिखा कि पहला एलिमेंट कहाँ है, रो जीरो कॉलम जीरो। सो दिस इज रो जीरो कॉलम जीरो माइनस फाइव ओ वन। देन रो जीरो कॉलम वन, दिस इज रो जीरो कॉलम वन। देन रो जीरो कॉलम टू, रो जीरो कॉलम टू। तो ये रो जीरो आपकी पूरी हो गई। उसके बाद आप रो वन में आ गए, तो आपने लिखा रो वन कॉलम जीरो, दिस इज 989। रो वन कॉलम वन 101, रो वन कॉलम टू 206। और उसके बाद आप रो टू में आ गए, आपने लिखा रो टू कॉलम जीरो विच इज 303, रो टू कॉलम वन विच इज 5456 एंड रो टू कॉलम टू विच इज 596, राइट? गॉट दिस एग्जाम्पल एज वेल? यस सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। ओके सो दिस इज द स्टेटमेंट सबलेटिंग यूजिंग दिस operator. The first index that is listed before after the variable name is the row number, the second one is the column number, right? और ये जो जिस तरीके से हमने इसको एक्सेस किया है इसको हम रो वाइज एक्सेस कहते हैं, राइट? यानी आप रो वाइज इसको एक्सेस कर रहे हैं, आपने पहली रो को एक्सेस किया, दूसरी रो को एक्सेस किया, फिर तीसरी रो को एक्सेस किया। ये बताइए क्या हम इसको कॉलम वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं? आप इसको कॉलम वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी बजाय इसके कि आप इसको यूं रो वाइज करें, ये रो आप कॉलम वाइज भी पहले जीरो एथ कॉलम कर लें, फिर सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट लाइक दिस व्हाट आई विल बी डूइंग इज 0 1 2
एंड दिस विल रिमेन जीरो. तो कॉलम चेंज मत कीजिए, रो चेंज कीजिए. सो इन दिस केस यू विल बी डूइंग दिस एंड दिस, जीरो टू वन जीरो. सो अब हम इसको रो वाइज नहीं बल्कि कॉलम वाइज कर रहे हैं. इसमें हमने कॉलम पहले फिक्स रखा, फिर दूसरा कॉलम वन कर दिया, फिर कॉलम टू कर दिया, रो नंबर चेंज करते रहे. सो इन दिस केस द आउटपुट विल चेंज स्लाइटली. सो दिस इज 501, देन 989 एंड देन 303. दिस इज बेसिकली नॉट रो जीरो, दिस इज कॉलम जीरो. ठीक है, इसी तरीके से फिर जो सेकेंड केस में आप आएंगे तो इस केस में 205, 101 और 456. सो दिस इज कॉलम वन एंड रो नंबर इज चेंजिंग एंड सो ऑन फॉर द थर्ड कॉलम. सो गॉट दिस कॉन्सेप्ट? यस सर. So as I said earlier, कि these are static arrays, इनका size आप compile time पे fix कर चुके होते हैं, इनको during the execution of the program तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें अपने programs के अंदर dynamic arrays की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर हम अपने array का size ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर सकें. So we will be talking about dynamic arrays a bit later. Next are C style strings. जैसे हमने अभी जो एरेज डिक्लेयर किए उनकी डेटा टाइप थी इंटीजर, तो जैसे इंटीजर टाइप के एरेज डिक्लेयर किए जा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम कैरेक्टर एरेज भी डिक्लेयर कर सकते हैं. राइट, सी स्टाइल स्ट्रिंग की एक बहुत सादा सी मिसाल इस स्ट्रिंग लिटरल में हमें नजर आ रही है. लाइक हम जब सी आउट में प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड जो है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग लिटरल है. हमने लिटरल के बारे में बात की थी क्या होती है जब आप वैल्यू को एज इट इज इस्तेमाल कर रहे होते हैं. But this is an example of a C-style string, right? Although it isn't declared as a variable, it is a string literal. But this is an example of a C-style string literal. अच्छा, ये ऐसे ही है. अगर आप इसको एक variable के तौर पर declare करें, तो आप एक character array के तौर पर इसको declare कर सकते हैं. You will write the type, which is character. Then you will give it a name. आपने इस variable का नाम से hello रख लिया. और फिर आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़ दिए हैं. आप एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं इस सूरत में कि अगर आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन के केस में कंपाइलर इसको काउंट करके इसका साइज खुद ही स्पेसिफाई कर देगा कि ओके द साइज ऑफ से हेलो इज दिस मच. फिर आप एक एक करेक्टर के तौर पर इसको डिक्लेयर करते हैं एच ई एल एल ओ. एंड रिमेंबर, नंबर्स के ऊपर आप कोट्स नहीं डालते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स के ऊपर कोट डालते हैं. अगर आप यहाँ वन लिखें और उसके ऊपर कोट डाल दें तो वो भी कैरेक्टर के तौर पर ट्रीट होगा, नंबर के तौर पर नहीं. राइट, हेलो देन अ स्पेस देन डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बैक स्लैश जीरो. दिस बैक स्लैश जीरो इज रिगार्डेड एज द नल कैरेक्टर. राइट, and in C style strings this null character is necessary to mark the end of the string. The string yahan pe khatam ho rahi hai. Right, so hello world and then this null character. Null character is always used to indicate the end of string. Iska matlab ye hai ki aapki string ke andar asal mein jitne character honge uska size usse ek zyada hoga, kyunki null character string ke andar display nahi hota lekin wo uska hissa hota hai. So jaise is case mein agar aap dekhen, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है. राइट, लेकिन जब आप ये से हेलो स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे तो इसका साइज एक्चुअली 12 होगा, क्योंकि इसमें 11 कैरेक्टर्स हैं और 12वां ये नल कैरेक्टर है. राइट, सो जब आप इसको प्रिंट करेंगे सी आउट के जरिए से हेलो को, सो दिस विल प्रिंट दिस हेलो वर्ल्ड फॉर यू ऑब्वियसली. एंड ऑब्वियसली इसमें नल कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही डिस्प्ले होगा. So the null character, this is backslash zero, is the null character that tells the compiler that the string has ended. So अब generally ऐसी strings जो backslash zero से end हो रही होती हैं और character array के तौर पर declare की जा रही होती हैं, हम इनको C style strings कहते हैं.
अच्छा अब ये जैसे इस केस में अगर आप देखें तो ये स्ट्रिंग लिटरल है, ये कोई वेरिएबल नहीं है जिसके अंदर आपने नल प्लेस किया हो, तो इस केस में भी नल करेक्टर होता है जिसे कंपाइलर आपके लिए प्लेस कर देता है, बट दैट समथिंग दैट यू आर नॉट डीलिंग विद एट दैट टाइम। एक और चीज़ ये कि जब आप बैक स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और जीरो का, तो अपेरेंटली ये एक करेक्टर नहीं रहा, ये तो दो करेक्टर हो गए, जबकि करेक्टर तो हमेशा एक करेक्टर होता है, राइट? सो दिस बैक स्लैश, एनी सीक्वेंस स्टार्टिंग विद अ बैक स्लैश हैज स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस। अब है क्या कि अगर हम सिर्फ जीरो इस्तेमाल करें, यूजिंग जीरो इंस्टेड ऑफ बैक स्लैश जीरो, मेक्स कंपाइलर रिकग्नाइज जीरो एज अ नॉर्मल कैरेक्टर विद एस्की वैल्यू ऑफ 48, राइट? हर कैरेक्टर की एस्की वैल्यू होती है, और जीरो की एस्की वैल्यू हमने पहले थोड़ा सा रेंज के बारे में बात की थी, तो जीरो एक डिजिट है जिसकी एस्की वैल्यू 48 है। तो अगर आप बैक स्लैश जीरो की बजाय सिर्फ जीरो लिखेंगे तो कंपाइलर उसको एक नॉर्मल करेक्टर समझेगा, और आपको जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी उसमें हेलो वर्ल्ड और आठ सात जीरो भी होना चाहिए, और नल फिर भी आपको चाहिए होगा, राइट? सो बैक स्लैश जो है वो बेसिकली, इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। बैक स्लैश बुनियादी तौर पे जब एनकाउंटर करता है सी प्लस प्लस का कंपाइलर, तो इसका मतलब ये होता है कि बैक स्लैश के आगे जो लिखा हुआ है उसका नॉर्मल मतलब नहीं, बल्कि उसका स्पेशल मीनिंग लिया जाएगा। तो जब सिर्फ जीरो लिखते हैं सो दैट्स अ नॉर्मल कैरेक्टर विद एस्की वैल्यू ऑफ 48। जब बैक स्लैश जीरो लिखते हैं तो अब जीरो का मतलब चेंज हो गया, नाउ इट इज मार्क्ड एज अ नल कैरेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, अच्छा अब एक चीज ये कि नल कैरेक्टर डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पे इस केस में आपकी स्ट्रिंग का साइज 12 है, अगर आप यहाँ नल कैरेक्टर लिख देंगे तो इट विल स्टिल रिमेन, जो ओवरऑल उसका एरे का साइज है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी आपकी, वी विल सी दैट, वी विल डेमोन्स्ट्रेट दैट शॉर्टली। सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी विल सी फर्स्ट एंड देन द सेकेंड वन। उजैर रिंद, ये भी आपकी क्लास के हैं? यस सर। ओके, सो लेट्स जस्ट सी दिस एग्जांपल एंड फर्स्ट लेट्स जस्ट रन इट। इस केस में अगर आप देखें तो हमने हेलो वर्ल्ड को एक करेक्टर अरे के तौर पर डिक्लेयर किया व्हिच इज अ सी स्टाइल स्ट्रिंग, फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया से हेलो, सो इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड फॉर अस, राइट? देन वी से दैट द साइज ऑफ द अरे इज, यूजिंग दिस साइज ऑफ ऑपरेटर वी प्रिंट द अरे साइज ऑफ दिस अरे, राइट, व्हिच इज 12, राइट? अगर आप करेक्टर काउंट करें तो करेक्टर 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जबकि साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्चुअली 12 बिकॉज दिस नल कैरेक्टर व्हिच इज नॉट विजिबल प्रेजेंटेशनली इज पार्ट ऑफ इट, राइट? सो साइज ऑफ गिव्स अस द साइज 12। ओके, नाउ रिप्लेसिंग स्पेस विद नल, ये स्पेस जो है ये कैरेक्टर नंबर क्या है, ये अगर हम काउंट करें 0 1 2 3 4 5, तो जो फिफ्थ इंडेक्स है वहां पे हमारे पास स्पेस है। हम क्या करते हैं, इसके फिफ्थ इंडेक्स पे जहां पहले स्पेस थी नल कैरेक्टर डाल देते हैं, राइट? ये फिफ्थ इंडेक्स जहां पहले स्पेस थी, हमने स्पेस की जगह नल कैरेक्टर डाल दिया। अब जब हम से हेलो करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो रिप्लेसिंग स्पेस विद नल, तो हमें सिर्फ हेलो नजर आता है, हेलो वर्ल्ड नजर नहीं आता। ऐसा क्यों हुआ? यस, बिकॉज जब आप सी आउट, जब एक स्ट्रिंग को रीड करके प्रिंट कर रही होती है स्ट्रीम को, तो वो नल कैरेक्टर की तलाश में होती है। जैसे ही उसको नल कैरेक्टर मिलता है वो वहीं पे स्ट्रिंग को खत्म समझती है। तो पहले चूंकि नल कैरेक्टर यहां था तो हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट हो रहा था,
अब अगरचे नल करेक्टर यहां भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले यहां भी नल करेक्टर आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि अब हेलो के बाद ही चूंकि उसको नल करेक्टर मिल गया, तो उसने आगे जाके रीड करने की कोशिश नहीं की और सिर्फ हेलो के बाद ही जो डिस्प्ले था उसको खत्म कर दिया। और इसके बाद जब आप साइज ऑफ एरे दोबारा प्रिंट करते हैं तो साइज ऑफ एरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट इज स्टिल 12। जो आपने यहां पे डिक्लेयर किया था साइज ऑफ एरे वो 12 करेक्टर था एंड इट इज स्टिल 12 करेक्टर, ऑल्दो द रीडेबल स्ट्रिंग हैज श्रिंक्ड टू दिस दीज फ्यू करेक्टर्स। ये सिर्फ जो 5 करेक्टर हैं सिर्फ यही उसके अंदर अब रीड हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे, लेकिन साइज ऑफ एरे रिमेन्स द सेम, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन फाइंड हियर इज कि बेसिकली जब आप से हेलो प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, जब आप से हेलो प्रिंट करते हैं तो से हेलो बुनियादी तौर पे स्ट्रिंग के पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है। पहला इंडेक्स लाइक हेलो है एच, ये यहाँ से इसको इसको पॉइंट कर रहा होता है, और यहाँ से कहाँ तक पॉइंट करता रहेगा, जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाएगा। सो जब आप से हेलो प्रिंट करते हैं तो चूंकि अब नल करेक्टर यहां मौजूद है तो ये हेलो प्रिंट कर देता है, ठीक है? सो दिस लास्ट से हेलो इज प्रिंटिंग हेलो। अगर मैं इसमें एक का इजाफा कर दूं, अब से हेलो इस जीरोथ इंडेक्स की बजाय इस इंडेक्स वन को पॉइंट कर रहा है, और अगेन रीड वहां तक करते रहेंगे जहां तक नल करेक्टर नहीं आ जाएगा। सो इन दिस केस दिस विल प्रिंट ELLO, it hasn't printed H because it is starting from the first index now, not the zeroth index, right? और अब अगर मैं 1 की बजाय 2 कर दूं तो क्या प्रिंट होगा? What will be printed now? ELLO. Yes, it will print LLO because now it is starting from this index and reading up to null character. और अब अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो क्या प्रिंट होगा? LO. Only LO because it is now starting from this character and ending this at this character. And with 4, it will print only O. Right? And now if I make it 5, what will it print? 5 पे क्या पड़ा हुआ है? हमने null character place कर दिया। अब null character उसको पहली ही जगह पे मिल जाएगा, so ये वहीं पे रुक जाएगा। So it will not print anything. It will print an empty string, you can say, right? It will not print anything. अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ plus 6. अब क्या print होगा? World. जी World. W-O-R-L-D. अब जब आप 6 पे चले गए तो इसका मतलब है अब आप यहां से प्रिंट करना शुरू करेंगे, एंड अगेन अब आप तब तक प्रिंट करते रहेंगे जब तक नल करेक्टर नहीं मिल जाएगा। सो नाउ यू विल प्रिंट द होल वर्ल्ड, यू विल सी कि आपको इसमें पूरा वर्ल्ड लिखा हुआ मिलेगा, राइट? Null character which ends the string, and here we have placed the null character at index 5, and then when we do say hello plus 6, it starts reading from the sixth character and continues to read until it encounters the null character again. So it prints the whole world, world in this case. Okay, then ये एग्जांपल हमने शुरू में डिस्कस की थी और जाहिर है उस वक्त इट वाज प्रीडेटेड, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इट के चूंकि सी स्टाइल स्ट्रिंग्स नल कैरेक्टर से एंड होती हैं और बेसिकली वो एक अरे की तरीके से अरेंज्ड होती हैं, और हमने ये कहा कि सी प्लस प्लस का कंपाइलर बुनियादी तौर पे अरे की बाउंड्स को चेक नहीं करता। अगर आप अरे की
डिक्लेयर्ड साइज के बियॉन्ड जाके उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो मेमोरी प्रोटेक्शन जो है उसको गारंटी नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक सी स्टाइल स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और उसका कोई साइज रखा है, और अगर यूजर उसके साइज से बड़ी इनपुट दे देता है, तो देर विल बी नो गार्ड फॉर यू, राइट? आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो आप यहाँ क्या लिख रहे हैं, एंटर अ वर्ड नॉट लॉन्गर देन 20 करेक्टर्स। यू आर रियली स्ट्रेसिंग द यूजर, यू आर रियली बैगिंग फ्रॉम द यूजर कि वो 20 से बड़ा करेक्टर, इसमें 20 से ज्यादा करेक्टर एंटर ना करें। आपने इसको डिक्लेयर किया यूजर इनपुट, इसका साइज रखा है 21। जाहिर है अगर आपने साइज 21 रखा है तो उसमें 20 ही करेक्टर आ सकते हैं, क्योंकि आखिरी करेक्टर तो नल करेक्टर होगा, उसके लिए जगह आपको रखनी पड़ेगी। आपने इसको इनिशियलाइज करवा दिया सारी स्ट्रिंग को नल करेक्टर से, यानी सारी स्ट्रिंग जो है इसमें नल करेक्टर ही पड़े हुए हैं इस वक्त। फिर आप कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, यूजर इनपुट, ठीक है, और फिर आप इसकी लेंथ प्रिंट करते हैं कि यूजर इनपुट जो आपने दी है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी हम इसको भी रन करके देखते हैं, गेट अ बेटर आइडिया। ओके, अब हमें डिस्प्ले पे आ रहा है एंटर अ वर्ड नॉट लॉन्गर देन 20 कैरेक्टर्स। तो मैं कुछ कैरेक्टर्स काउंट लिखूंगा, टाइप करूंगा, आपने काउंट करना है कि कितने कैरेक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं मैंने कीबोर्ड से? ओके, आर दिस 19 कैरेक्टर्स? यस सर, 19 है। ओके, सो लेंथ ऑफ योर इनपुट वॉज, अच्छा, अब पहले हम जब एरे का साइज या किसी वेरिएबल का साइज प्रिंट करते थे तो हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे थे दैट वाज साइज ऑफ। साइज ऑफ हमें जो एक्चुअल साइज उसका होता था वो बता देता था। इस केस में हमें जो लेंथ मिली है वो उतनी ही मिली है जितने हमने कैरेक्टर्स एंटर किए थे, राइट? मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और अब मैं इसके अंदर अब मैंने सिर्फ 6 कैरेक्टर एंटर किए हैं, तो इसने हमें साइज कितना बताया, 6। सो स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड एक फंक्शन है। स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड हैं जिनको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्ट्रिंग लेंथ एक है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है, एंड सो ऑन, राइट? और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। सो स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है जो बुनियादी तौर पर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये लेंथ को रीड करता है बुनियादी तौर पे नॉट ऑन द डिक्लेयर्ड साइज। जब जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो डिक्लेयर्ड साइज 21 है। साइज ऑफ के जरिए अगर इसका साइज हम गेट करेंगे यूजर इनपुट का, तो ये साइज ऑफ 21 ही आएगा, राइट? टोटल कैरेक्टर्स ही वो बताएगा कि कितना इसका कैरेक्टर इसका साइज है। लेकिन स्ट्रिंग लेंथ एक्चुअल स्ट्रिंग जो स्टोर की हुई है उसका साइज हमें बताता है। अब एक्चुअल स्ट्रिंग का साइज हमें कैसे पता चलता है कि जैसे ही हम नल कैरेक्टर एनकाउंटर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ यहां पे खत्म हो गई, राइट? सो जब हमने 19 कैरेक्टर एंटर किए तो उसको 20वीं जगह पे नल मिला, उसने कहा जी आपकी स्ट्रिंग का साइज 19 है। और जब हमने 6 कैरेक्टर एंटर किए तो उसको 7वीं जगह पे नल कैरेक्टर मिला, तो उसने कहा कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 6 है, ठीक है। तो अब इस केस में एक रियल डेंजर जो हमारे सामने आती है वो ये है कि चूंकि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन डिक्लेयर्ड जो साइज है एरे का उस पे नहीं बल्कि नल कैरेक्टर की लोकेशन के ऊपर ये डिसाइड करता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो अब अगेन अगर आप चूंकि मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आप 21 से ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें एंटर कर देते हैं, 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स एंटर कर देते हैं, तो नल कैरेक्टर ज़ाहिर है डेफिनेटली उसके साइज के बियॉन्ड चला जाएगा, और स्ट्रिंग लेंथ इसको चेक नहीं करेगा, वो आपको स्ट्रिंग का साइज उससे बड़ा बता देगा जो कि एक्चुअल डिक्लेयर्ड साइज से भी बड़ी स्ट्रिंग होगी, राइट? सो दिस इज द डेंजर अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड व्हिच इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सी स्टाइल स्ट्रिंग्स।
सो टू कैटर दिस हमारे पास स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी के अंदर स्ट्रिंग की डेक्लरेशन मौजूद है जो सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस करवाई गई. सो वी जस्ट टेक द डेमो ऑफ दिस एग्जाम्पल बिफोर वाइंडिंग अप टुडेज क्लास. Go here and let's just run it. हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बहस नहीं करेंगे. Enter a line of a text. Line number one. Enter another line. So I say line number two. Result of concatenation, line number 1, line number 2, copy of concatenated string, line number 1, line number 2, and length of concatenated string is 31. Okay, let's just see. हम इसको एक इसका एक overview लेते हैं. हमने strings library इसमें include की है. सबसे पहले तो हमने एक greeting string print की है. हमने इसको अब character array की है string type के तौर पे declare किया है. You can see this string. So the data type is not character array, it's not the C style string, it's the string from string library. So the data type is string. Naam humne rakha hai uska greeting strings aur usko initialize kar diya hai. Right? Now this is a different initialization if you see. When you declare the string and initialize it, you can initialize it using these parentheses. Aapne iske andar likha hello string std string. यानी हम जो स्टैंडर्ड के अंदर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी के अंदर स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड है उसको डेमो करने जा रहे हैं. सो इट इज हियर राइट. जब आप ग्रीटिंग स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तो इसको जिससे आपने इनिशियलाइज किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया राइट. देन एंटर अ लाइन ऑफ स्ट्रिंग. तो हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, आप कैरेक्टर एरे नहीं बल्कि स्ट्रिंग डिक्लेयर की है राइट. और गेट लाइन इज द फंक्शन जिसके जरिए हम इसको रीड कर रहे हैं. ठीक है, इनपुट जाहिर है कंसोल पे ही आनी है, तो सी इन वो स्ट्रीम है जिससे हम रीड करेंगे और फर्स्ट लाइन में रीड करेंगे. अगर आपको याद हो को तो जब आप सी इन के जरिए इनपुट लेते हैं तो आप उसमें स्पेसेस इंक्लूड नहीं कर सकते राइट. आप जैसे ही स्पेस एंटर करते हैं तो इनपुट वहां पे खत्म हो जाती है. लेकिन इस केस में आपने जब एंटर किया लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 तो उसमें स्पेसेस थी, तो बुनियादी तौर पे इन स्पेसेस को कैटर करने का काम जो है वो ये गेट लाइन फंक्शन कर रहा है. हम इसके बारे में मजीद बात बाद में जाके करेंगे. इसी तरीके से अब लाइन 2 एंटर करते हैं गेट लाइन फंक्शन के जरिए, फिर आप इनको कंकैटिनेट कर लेते हैं. कंकैटिनेट करना ऐसे ही है जैसे आप नंबर्स का सम कर लेते हैं. अगर आप देखें तो आपने एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर की कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग, फर्स्ट लाइन प्लस अ स्पेस प्लस सेकेंड लाइन, तो आपने दोनों स्ट्रिंग्स को यहाँ पे कंकैटिनेट किया और फिर कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट कर दिया. फिर आपने क्या किया कि स्ट्रिंग की कॉपी की. ठीक है, आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की ए कॉपी के नाम से और ए कॉपी को सिंपली कंकैट स्ट्रिंग असाइन कर दी. तो अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट एज इट इज ए कॉपी के अंदर चला गया, फिर आपने ए कॉपी को प्रिंट कर दिया. सो लाइक यू सी हियर लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 आपने एंटर की कॉपी, फिर आपने रिजल्ट ऑफ कंकैटिनेशन प्रिंट किया जिसमें दोनों स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो गई, दरमियान में स्पेस भी आ गई, फिर आपने उसकी कॉपी प्रिंट की तो कॉपी भी एग्जैक्टली वही प्रिंट हुई जो कि एक्चुअल स्ट्रिंग थी. और उसके बाद आपने देखा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग डॉट लेंथ. अब आपके पास जो फंक्शन है जिसके जरिए आप लेंथ गेट कर रहे हैं वो एस टी आर लेंथ नहीं बल्कि ये लेंथ फंक्शन है जिसके जरिए आप स्ट्रिंग की लेंथ को गेट कर सकते हैं विच कैन. अच्छा, अब यहाँ पे एक अहम चीज ये है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये डायनामिक हैं, यानी इनका साइज आपने कहीं भी डिक्लेयर करते हुए फिक्स नहीं किया. सी स्टाइल स्ट्रिंग्स चूंकि एक कैरेक्टर एरे के तौर पे डिक्लेयर होती हैं तो आपको उनका साइज पहले बताना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है. लेकिन जो ये स्ट्रिंग्स आपने स्ट्रिंग लाइब्रेरी से इसमें इस्तेमाल की हैं इनका साइज आपको नहीं बताना पड़ता. दीज आर डायनामिक स्ट्रिंग्स, तो इनका साइज रन टाइम पे अगर आप बड़ा कैरेक्टर बड़े सीक्वेंस एंटर कर देंगे तो बड़ी मेमोरी एरिया एलोकेट हो जाएगा, छोटा सीक्वेंस एलोकेट करेंगे तो छोटा मेमोरी एरिया उसके लिए एलोकेट हो जाएगा. इट कैन चेंज ऑन द रन टाइम. सो चूंकि इसमें साइज की लिमिट नहीं है और साइज डायनामिकली तब्दील हो सकता है, लिहाजा उसमें वो डेंजर्स जो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स के साथ एसोसिएटेड हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती.
This is just a demonstration of that. We will be talking about the strings library in detail a bit later as well. So these are not static and can scale up as needed. So this is a string literal declared here. These are two inputs. Two strings are input here using getLine and concatenation and copying and the length, right? So इस केस में चूंकि आप लेंथ फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास माई बैक स्लैश जीरो की जो डेंजर थी वो भी यहाँ पे अब एग्जिस्ट नहीं करती. सो दैट कंक्लूड्स दिस लेसन. देर आर फ्यू क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस दैट यू विल डू एंड विल एग्जीक्यूट ऑल दीज प्रोग्राम्स. इसको भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है वहाँ पे. इसके एसोसिएटेड प्रोग्राम्स भी आपकी क्लासरूम में अपलोडेड है. सो डू प्रैक्टिस दोस्त.